अरे तनिक दूरवा तक पहुँचाई ना हमारा बड़ा दिक्कत बा ना चले वाले पारी अब मिठाइयों लगी बुआ कैसे जते झापी होती आई आई विदेशी बाबू आज बहुत खुशी के बात बा बहुत खुशी हम न दुनी समधि बने वाला है हां बहुत राम 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 अरे हां जजमान त बियाह है पर बैठ जा बड़ा लगन आज 10 मिनट बा बैठी जजमान बैठ आई बैठी बैठ आई जजमान तनी रह मंगल भवन मंगल हारी अब प्रभु दशरथ करु अजर बिहारी नयका मंत्र बा जजमान कि मंगल भवन मंगल हारी भूख लगे त पटके थारी दुल्हन के बुलावल जाए जजमान ये तो हमार देखो हम पुरनका जमाना के पंडित ही और हमार पतरा में पहले समधिया रहला बाद में बिया पहले दोनों समधि एक देने हो जाऊं ठीक है कहले पंडित जी आओ समधि से हाँ जजमान तो हम मंत्र पढ़ाई थी या दोनों तो समधि यारो करब ना ठीक बा पंडित जी राम राम हरे हरे रोज लड़ाई होके घरे घरे अरे जल्दी जल्दी समधि यारो करी तब तो लग मुहूर्त तो निकल जात बा राम राम हरे हरे रोज लड़ाई होके घरे घरे एगो सुते घर में एगो सुते बाहर दोनों के मिला दो मेरे राम राम हरे हरे रोज लड़ाई होके घरे घरे मुहूर्त निकल जात बा बैठे जजमान बैठे मुहूर्त निकल जात बा देखी हम अपन जुगाड़ भिड़ावत भिड़ावत तो हमार जुगाड़ ना भिड़ल तो हम दूसर के जुगाड़ भिड़ाई ला तो एक बाब कहै थिए ना आ समधियारो खत्म हो गए नयका जमाना वाला बकिये रह गए नयका जमाना वाला समधियारो करूँ फिर से हाँ मंत्र पढ़ा था तनी तनी कर अब धीरे धीरे आराम से हाँ तनी नयका जमाना वाला करी समधि जी समधियारो तनी देखा आराम से तनी गिर ना जाए
नयका जमाना के समधियारो करे आहे तबे ना लगन पतरी दिखाए। हाँ जजमान, हाँ ठीक बा, ठीक 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 बा जज, ठीक बा, आप समधी साहब बैठ जाए। ठीक है, उठी 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 नमः शिवाय, नमः शंकर भोलाए। अब हम जुगाड़ पंडित बिना दहेज के ब्याह कराए। तो जे दूल्हा दुल्हन के मांग में सिंदूर दे जजमान। रुक जाए पंडित जी, ये ब्याह नहीं हो सका। कहे कि जबले हमरा के दहेज में एगो मोटरसाइकिल ना मिली, हम ब्याह ना करब। का होगत बा पंडित जी? और काए जजमानी, ये तो हमरो नहीं खे समझ में आवत। मोटर गाड़ी? अरे हाँ ये जजमानी, ये तो हमरो नहीं खे समझ में आवत। जज इका होगत बसंती साहेब, मोटर गाड़ी ना बोलने रहनी ना। देखो समधी साहेब, आज तक हम अपना पुत्र के मतलब लड़का के हर शौख पूरा कर ली, ठीक ना। अब उनका लास्ट इच्छा हलक कि हम जब भी विवाह करब तो मोटरसाइकिल लेब, तबे विवाह करब। तो उनकर इच्छा के हम ना ठुकरा सके ही, अगर मोटरसाइकिल ना मिली तो ब्याह ना हो सकेला। ना ना पंडित जी समझी कहे कि हमारी इज्जत के सवाल बा, ई ब्याह ना हुई तो हमार बेटिया से कौन ब्याह करी। बस बोल दिया ना, ब्याह नहीं हो सकता, ना कर सके ली ब्याह। ना बाबू, हमार बेटिया से भी ब्याह कर ली। कहे कि हमारी इज्जत के सवाल बा, हमारे पास मोटर गाड़ी नहीं के, अभी ब्याह ना हुई तो हमारी इज्जत ना बची, ब्याह कर ली। ये शादी नहीं हो सकती। ना ना बाबू। हेलो, जब तक हमारा दहेज में मोटरसाइकिल ना मिली हम ब्याह ना करब। चलो 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 ना, ब्याह हो सके। हाँ चलू। तुम गरीब के तकड़ी का बात हो सकेला, चलो चल के देखल जाए। कुछ भैल बा का यहाँ? क्या कही, क्या कही हम? हमार मोटर गाड़ी ना बोल रहे पंडित जी, कहलन की मोटर गाड़ी देवे के, इनके चलते ब्याह नहीं के करत। हमार इज्जत के सवाल पे बचा ले। इतना सुंदर लक्ष्मी ब्याह तो फिर तू काहे ना शादी कर लो? दहेज कोई बड़ा चीज बोला? नहीं नहीं, हम शादी नहीं करेंगे जब तक हमारा शादी में तब मोटरसाइकिल ना दिए, हम ब्याह ना करब। एहनी के जाय दी बाबू जी, हमके भी ऐसा लालची आदमी से ब्याह करके हमर अपन जिंदगी नहीं खे बर्बाद करे के। काय कह दे बेटी तू, अगर तू शादी ना कर दे फिर तोरा से कहो शादी कर दो। मेरे को ना पकड़ो ना, अच्छा नहीं देखे। मैं करूंगा शादी, रहुआ कर दो। हाँ हाँ मैं करूंगा, हमारे पास मोटर गाड़ी पैसा नहीं के, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे खातिर रहुआ भगवान बन के आई रही,
हमारी इज्जत बचा ले ली बाबू। रुका पहले इन सब का ठिकाना लगा लो। हेलो, रणधीर सिंघानिया स्पीकिंग फ्रॉम पाकी पुलिस स्टेशन। हाँ सर, यहाँ डंडार में दहेज के बिना एक बारात वापस लौटी चली जा रही है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सर। ये कौन है दूल्हा यहाँ? यहाँ ये। अच्छा चलिए, अब दूल्हा के पिताजी भी आए हैं का? हाँ ये हैं इधर। चलिए चलिए, तब दोनों के हम ऐसा जगह ले जाते हैं ना, वैसा मोटर गाड़ी दिलाएंगे कि बिना पेट्रोल के आप लोग उड़ने लगिएगा। चलिए तो चलिए चलिए, भाग रहे हैं। चलिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए हमारा से गलती हो गई, लगा वैसा गलती ना हुई, हमारा के माफ कर दी। हमारे से माफी मांगे थे, आपसे ऐसा गलती ना हुई हमारे से। अब कभी भी शादी करब, आगे कभी भी शादी करब, न दहेज लेब न दहेज देब, अब हमारा क्षमा कर दी। छोड़ दे, अब हमारा से गलती ना हुई ऐसा दोबारा। ऐसा ना हुई ना, ना हुई ना हुई ना हुई, माफ कर दी। बात ठीक, तो हम जा रहे हैं तो समझ गए। ठीक बा, तो जैसा कि आप लोगों ने नाटक के माध्यम से देखा कि जिस तरह दहेज के बिना शादी नहीं हो रही थी, आप लोगों से विनती है कृपया दहेज प्रथा को जितना जल्द से जल्द समाप्त करने की कृपया कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।